आज देखिए हम लोग काहे पे जा रहे हैं भाई। और मेरा नुमेर नहीं लगाता, मेरा नुमेर बेचारा मेरा बच्चा है। बहुत गर्म हो रहा आपके वहाँ, गर्मी हो रही कि नहीं हो रही बताएं। यक्षी मिर्ची कितने किलो की होती है? अभी सारा पोछा पाछी मैं कर लेती हूँ। हेलो एवरीवन, सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। तो ये देखिए हम लोग यहाँ बाहर बैठे हैं और मैं कहीं जा रही हूँ, पता है कहाँ कहाँ पे? कहाँ पे जा रही माई? मेरा कपड़ा लाने, माई का कॉस्ट्यूम लाने। ये एक मगजमारी हमेशा की रहती है मेरे लिए, जो माई की वजह से होती है। तो नुमेर रहेगा घर में, अपनी नमाज की तैयारी करेगा, नहाएगा धोएगा, फ्रेश होएगा। अभी वो प्रोजेक्ट अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर रहा था, तो जब तक हम लोग जरा जाके माई का कॉस्ट्यूम लेके आते हैं। जब तक नुमेर बाय, आज नुमेर अकेला रहेगा, तो अपने वो सब करके ले लेना, प्रोजेक्ट लिख के ले लो, फटाफट नहाने के लिए जाओ, फटाफट नहाने के लिए नमाज के लिए तैयारी करो। तो जब तक हम लोग निकलते हैं, चलिए अभी एक घंटे में इंशाल्लाह हो जाएगा। आपके फयाज भाई गए नहीं है, देखिए मुँह नहीं दिख रहा क्या चिकनी। तो आपके फयाज में हम लोग जा रहे हैं, हम लोग गाड़ी पे नहीं गए अभी, नमाज़ पढ़ के निकलेंगे आज। तो हम लोग पहले जाके जब तक कॉस्ट्यूम लेके आ जाते हैं और उसके बाद में ये जाएंगे गाड़ी पे। खाना तो रात में बनाई थी तो अभी पकाने की ज़रूरत नहीं, हो जाएगा। तो चलिए अभी मार्केट में मिलते हैं, आप मिलती हूँ आपको जब तक के लिए। तो चले निकले हम लोग घर से और आज देखिए हम लोग काहे पे जा रहे हैं, बाइक पे घर में मैरिन। हम लोग जा रहे हैं बाइक पे, आज करेंगे बाइक की सवारी। आज हमारी बाइक की सवारी हो रही है, आज रिक्शे में नहीं। अरे यहाँ मिलेगा शायद कपड़ा, पीछे लो गाड़ी। शॉप पर आए हैं और देखते हैं अभी क्या मिलता है यहाँ पे। आपके फयाज भाई गए अंदर, देख रहे, वही मैं आपको दिखाती हूँ। माई पे है, आगे भी दुकान है माई, आगे भी है, बहुत सारी दुकान है। 8 नंबर में चलो, नहीं है पीछे वाले में देखेंगे, यहाँ तो नहीं मिली, पीछे देखेंगे या तो आगे जाएंगे शॉप में देखेंगे सर। तो दूसरी शॉप में आए हम लोग, दूसरी वाली शॉप में, वहाँ तो नहीं मिला, यहाँ 5 नंबर मार्केट में आए। देखो यहाँ मिलता है कि नहीं मिलता है, अभी बताओ एक मिनट को देखती हूँ। यहाँ देखिए आपके फयाज भाई अंदर हैं और वो ही देख रहे टॉप, हम लोग बाहर बैठे माई और मैं। और यहाँ देखिए आजू बाजू पूरा सन्नाटा है, सन्नाटा। जुम्मा है ना आज इसलिए, वरना इतना रहता नहीं सन्नाटा यहाँ। इधर माई का कपड़ा ही नहीं मिलता, कोई भटकना पड़ता है ना सर, ऐसे ऐसा कलर बता देते तो कि मिलता ही नहीं है ना सर, के कलर ही ऐसे ऐसे रहते। जरे पापा बुला रहे, वही चाहिए ना फ्रॉक ना, गोल गोल घूमने वाला ना, घेर है ना उसमें, है ना। ये वाला फ्रॉक एक 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 दिखाएंगे क्या आपको, लंबा जो लटक रहा है, हाँ ये है क्या, बाहर लगा मतलब मस्त दिख रहा है, मस्त दिख रहा था भाई, अच्छा लग रहा ना। हाँ भाई, हाँ पहनती नहीं है ना, लेकिन तो पहनती ना, जिनका पहनती नहीं पहनी थी क्या? हाँ
वो नहीं पहनी थी। अंदर का खोलेंगे। ये है कपड़ा भी मस्त है। तो चले निकले, हो गया माइक का ड्रेस और अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं 5 नंबर से। मतलब संभालो गाड़ी वाड़ी, खुद आ जा, गाड़ी तेड़ी देख के चलाती है पब्लिक, संभाल के चलो। और अभी जाएंगे हम लोग, कहाँ जाएंगे पहले कुछ बाकी है, अभी घर पर जाएंगे। रास्ते में अगर कुछ लेने करेगा तो ले लेंगे। वैसे भी लेडीज लोग की तो शॉपिंग खत्म नहीं होती है, कुछ ना कुछ तो रहता ही है हमेशा। अब क्या फैयाज भाई कंटाल आ जाते, लेकिन ना बोले बाहर निकलता हूँ ना तो बोले इसकी शॉपिंग खत्म नहीं होती। तो चले चले चले, थोड़ा सा ड्रेस है ना वो टॉप है, लेकिन थोड़ा सा ढीला लग रहा है, माई बॉडी थोड़ा फिट करना, देखती हूँ अभी क्या करती हूँ। चले फिर। ये कौन सी पेंसिल है? शॉर्पनर भी है क्या? ये कितने वाली है? हाँ ये 20 की ब्लैक वाली, और ये दूसरी जरा इसको खोलो भाई, जरा ये वाली खोल के दिखाओ। अच्छी कौन सी है दोनों में से? दोनों अच्छी है, आप दोनों एक ही। भैया ब्रश वाला जो ब्रश वाला लो, शॉपनर वाला सोचिए कि शॉपनर वाला ही ले लेते हैं। हाँ देख रही हूँ मैं, देख माई ये मैचिंग हो रहा है ना, वही बोल रही हूँ मैं। या तो सिल्वर वाली बताओ जरा भाई, वो सिल्वर वाली फुल सिल्वर दिख रही है। हाँ ये क्वालिटी अच्छी दो भाई, ये क्वालिटी नहीं दिख रही, टूट जाएगी वो, पूरा कपड़ा निकल गया उसका, कपड़ा ऐसे बंद हुआ था, टूट जाएंगे और ना भी दिला दो, वो भी टूट गई। हाँ ना वही तो इधर आई हूँ मसाले की दुकान पे, अभी अजान हो रही है, जाना है फटाफट घर पे मसाले की दुकान पे। गरम मसाला ख़त्म हो गया है, देखती हूँ। हाँ ये 5 रुपये का, 5 रुपीस खुला खुला बांध के देंगे पुड़ी में, लेकिन 20-20 रुपये का सब बांध दो। सब 20-20 का बांध दो, मतलब मिर्ची भी, मिर्ची खाने का नहीं, मिर्ची का बुक्का तो है अपने पास, वो क्या बांध दे आंटी तुम? लॉन्ग दिए। हाँ ये बांधो, अलग अलग बांधो, अलग अलग रखेंगे ना डब्बे में, एक कर देंगे तो अलग अलग कौन करेगा, घर पे जाके सब मुझे अलग अलग करना पड़ेगा। हाँ वही बोल रही हूँ मैं, अलग अलग नहीं कर सकते। चलो गरम मसाला भी ले ली, गरम मसाला ख़त्म हो गया था तो आई तो मैंने चलो ले लेते हो, अभी चले घर पे, नमाज का भी टाइम हो रहा है ना बच्ची, चले निकलती हूँ अभी घर पे, अभी रास्ते में कुछ मिला वो भी ले लेंगे, प्रयास तो मना कर रहे के भी घर पे, फिर भी देखेंगे। ले ले बेटा मास्क ले ले, कौन सा चाहिए? ये तुम्हारा ही मास्क है, तुम्हारे पास से लेके गई थी ना। अरे इतने घुमाती है मास वो मैडम, ये वही कपड़ा है ना खाला, सेम है ना, ये ले ले ब्लू ब्लैक। हाँ और देख ना ये ले ले, अच्छा कलर लग रहा है। मैडम देखो मास्क छोड़ो, उसकी पसंद से ढूंढ रही है भाई, बच्चे लोग का ऐसा ही है। आगे भी चलेगा ले बटरफ्लाई ना,
ठीक है। हाँ दे दो भाई, एक और एक दे दो खाला। और एक चाहिए? और एक चाहिए उसको। उसमें का दो? अच्छा इसमें का दे दो। हाँ सिंचन वाला पसंद करते हैं, इतना बेकार लड़के को। सिंचन के तो बच्चे दीवाने बाबा। वही तो पसंद आता है लोगों को। तो अभी हम लेंगे मच्छी, ये है भाई की मच्छी जो किलो से मिलती है, 120 रुपये किलो है। तो अब हम लेंगे भाई की मच्छी, और मुझे खाना है एक्चुअली भैया की मच्छी, इसलिए मैंने फयाज को रुकाया, मेरी प्लीज़ ले लो ना। तो ले रहे आपके फयाज भाई, दुम की तरफ का डालो, ये बाजू का डालो ना, दुम की तरफ का वजन। मुंडी आएगी, ये कितना किलो? 130 रुपए का है, 180 रुपए का है। ये डाल दो, मुंडी है ये, मुंडी का हिस्सा है क्या? उसमें डाला है तो भी तो आधा तो खाली है ना वो। ये पेट का आइटम है ना वो। हाँ वो अच्छा लग रहा था, 130 बोल रहे हैं। पेट का साफ कर देना, यक्षी मिर्ची कितने किलो की होती है? 2.5 किलो का है। चलो चलो, मच्छी भी ली हम लोग ने भाई की मच्छी, आपको दिखाती हूँ घर पे क्या क्या ली। अब जस्ट घर पे आई, चार्जिंग थोड़ी है, मेरी बात कर लूँ। देखिए अभी पूरा गद्दा फिर उठाई, आके देख रही तो पूरा गद्दा फिर से गिल्ला हो गया, और पता ही नहीं चलता ना हम लोगों के पानी निकल रहा है। अभी फयाज ने फिर गद्दा उठा के बाहर रखे, क्या बोल रही है? अभी आया, अभी गद्दा गिल्ला। मास्क को निकल जाओ, और मैं पूरा सफाई करके गिल्ला जो भी मैं पोछ लेती हूँ, ठीक है? ये देखो गद्दा फिर बाहर रखना पड़ा मुझे, फिर गिल्ला हो गया यार, परेशान हो गई यार मैं। फयाज सारा पोछा पाछी मैं कर लेती हूँ, उस दिन मेरे बच्चे पहुँचे थे। आप लोग बोल रहे ना फ्रिज लेने के लिए, फ्रिज लेने का यार थोड़ा वेट कर रही हूँ, थोड़ा बच्चे लोग का स्कूल और ट्यूशन के उसमें ज़रा लगी पड़ी हूँ ना, इसके लिए फ्रिज नहीं ले रही हूँ। क्योंकि लोग को अभी मैं आपको शाम में शेयर करती हूँ, आपको बताती हूँ, अभी चार्जिंग भी नहीं है ना, तो इसके बारे में शाम में शेयर करूँगी इसके बारे में। तो चलिए अभी जब तक भाई, अभी फटाफट यहाँ पर चार्जिंग लटका हुआ है, देखिए मैं चार्जिंग लगाती हूँ और उसके बाद में शाम में बात करती हूँ आपसे। चलिए वेलकम, और अभी बज रहे हैं पूरे 8:05 कम बाकी है, माई जा रही डांस क्लास। तो चलिए पहले माई को पहले अलविदा बोलती हूँ डांस क्लास के लिए, उसके बाद में बात करती हूँ। गद्दा देखिए अंदर ले ली, सूख गए, आज अच्छी खासी धूप आई थी। तो चल माई निकली, लुमेर यहाँ देखिए मेरा लुमेर। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मास्क उठा के गाइस लोगों को सुने दे, नहीं मास्क निकालो। एक शर्त से आप बोलेगा मेरा बेटा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सब? कैमरे में से कब हटूंगा सोचता है, कैमरा वो नहीं आता जल्दी से। मेरी दुआ मेरे को लगे, आपकी दुआ आपको लगे। अच्छा अच्छा, मेरी दुआ आपको लगे, आपकी दुआ मुझ पर लगे। ओके चलो निकलो फटाफट, वो मेरा आ जाएगा तो ये गद्दे को एक्सचेंज। मेरी दुआ मम्मी को लगे, मम्मी की दुआ माई को, माई की दुआ पापा की दुआ मेरे को। अच्छा देखिए ये गद्दा वहां रख देना, आ जाएगा तो फटाफट जा जाके आ जा, बिछा देगी। एक जा जल्दी जाके आ, मत नुमर ऐसे उठा। गाइस आपको माई चाहिए तो बोलो, मैं दे दूंगा आपको। हाँ माई चाहिए तो, माई सबको चाहिए, मेरे को भी तो चाहिए, मेरे को भी चाहिए। माई उठेगी उसमें माई को देना, नहीं नहीं माई मेरे को भी चाहिए, नहीं माई को देना। चल फटाफट जाके छोड़ के आ, बेटा जल्दी। मैं पहले मेरे मम्मा के पास जाऊंगा। हां मैं पहले मेरी मम्मा के पास जाऊंगा। मम्मा के पास रहेगा? मम्मा का है नहीं मेरे मम्मा। चलो चलो संभाल के, क्या बोल रहा? चल संभाल के जाके आ जा बेटा। हाँ हाँ रुपया तो 5 रुपया। हाँ 5 रुपया, 5 रुपये तो है ना तेरे पास?
ये 5 रुपए नहीं 1 रुपए है, 5 रुपए है, मैंने भी दी थी 5 रुपए दूसरे में। कितने 5 रुपए चाहिए उसको? 2 बार क्या हुआ? जाकिया फिर दूंगी, जाकिया फिर दूंगी। अल्लाह नुमेर संभाल के लेके जा, नुमेर संभाल के लेके जा। तो चले गाइस, बच्चे गए, नुमेर अभी छोड़ के आ जाएगा, अभी नुमेर फ्री हुआ। एक्चुअली नुमेर को अभी मैंने लगा दिया है ट्यूशन, मैंने ट्यूशन ज्वाइन करवाया है नुमेर को, आज उसका पहला दिन था, क्योंकि अभी को लगाना पड़ा। एक्चुअली में क्या हो रहा है ना, घर में पढ़ रहा था वो इतने टाइम से, मेरे पास ही पढ़ रहा था, लेकिन अभी मैं उसको ना 1 घंटे से ज़्यादा मैं टाइम नहीं दे सकती, क्योंकि मेरे को घर का भी काम रहता है, वीडियो भी रहती है, और बहुत सारे काम मेरे को घर पे रहते हैं, तो जिसकी वजह से मैं उसको सिर्फ 1 घंटा दे सकती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। अब उसकी पढ़ाई है 10th की, तो फयाज भी मेरे को यही बोले कि अगर आप काम में रह जाएंगे तो बच्चे की पढ़ाई ख़राब हो जाएगी, तो इसको ट्यूशन लगाना ही पड़ेगा। तो मैं भी वही सोची थी कि लगा देती ट्यूशन, भले फिर वो घर में भी पढ़ लेगा, मेरे पास वो 1 घंटा तो मैं उसको दे दूँगी, लेकिन ट्यूशन मेरे को लगाना ही पड़ा, क्योंकि 10th है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो इसलिए फिर उसको ट्यूशन में, उसके अब्बा ने बात करके आज ट्यूशन जा रहा है आज से। तो आज पूरा दिन बिजी था, तो मेरे को बोला था मम्मा बहुत लंबी ट्यूशन लगा दी है तुमने मेरे को। तो उसका ट्यूशन का टाइमिंग ही ऐसा है, 12 बजे जाता है, 2 बजे आता है, फिर 2:30 बजे जाता है, फिर 5 बजे आता है, फिर 5 बजे आके आधा घंटा रेस्ट करेगा, फिर 5:30 को जाएगा, और बस 5:30 को गया, और अभी जस्ट 7:45 बजे आया, क्योंकि मैंने टीचर को बोल दिया था कि ना भाई को छोड़ना रहता है डांस क्लास, तो प्लीज़ नुमेर को छोड़ देना, क्योंकि फिर घर में कौन छोड़ेगा नुमेर को, छोड़ने वाला कोई नहीं। और अरबी तो बाजू में ही, तो माई चली जाती है एकदम यहाँ से, दो घर छोड़ के ही अरबी है, तो अरबी तो माई अकेले भी चली जाती है। अब नुमेर का हो गया रूटीन अलग, तो आज एक दिन मुझे इतना भारी पड़ा मेरे बेटे के बगैर, क्योंकि अभी आदत हो गई है ना घर में मेरे बच्चे के साथ, दिन भर घर में रहता है, कुछ ना कुछ रहता है, ये निकाल के दे दे बेटा, वो दे दे, जैसे ऊपर ऊपर चीज़ें रहती है तो नुमेर ही देता है मुझे निकाल के। आज मुझे इतना भारी पड़ रहा था कि मैं क्या बोलूँ आपको, कचरे वाला आया था, कचरा फेंकने कचरे वाला तक आया था, और कचरा लेके मैं बैठी हो रही, बाप रे बच्चे नहीं है, क्योंकि माई चली गई थी सॉरी अरबी, और नुमेर तो ट्यूशन में था। अब कचरे वाला आया, और कचरे वाला आया तो कचरा फेंकने के लिए कोई नहीं, फिर एक बच्चे को बुलाई, आवाज़ दी कि बेटा ये कचरा भी डाल दे, तो उसने फेंका, तो मेरे को नुमेर की याद आ रही थी, अल्लाह मेरे बच्चे घर में रहते तो कुछ ना कुछ मेरी हेल्प करते ही रहते, जैसे ऊपर चीज़ें रहती है, कभी फ्रिज के ऊपर कोई चीज़ रहती है मेरा हाथ नहीं जाता है तो वो निकाल के देता है, और ऊपर जैसा खाना पकाने के लिए कुछ भी ऊपर से चाहिए रहता है मुझे, बर्तन वगैरह, तो वो निकाल के देता है, मिक्सर लगाने का रहता है तो नुमेर लगा के देता है। तो अभी तो ऐसा लग रहा था ना मेरे को, मैं फया आज तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार बच्चे नहीं तो मेरी ज़िंदगी क्या होगी, कैसा करेंगे, लेकिन अभी क्या ना आदत करनी पड़ेगी मुझे, क्योंकि अभी मेरे को दो साल से बच्चे घर में हैं, तो आदत हो गई ना लुकी, लेकिन अभी फिर से पहले की जैसे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कि जब बच्चे नहीं रहेंगे तो कैसा करती थी, कर लेती थी ना, तो सब चीज़ अपनी जगह पर रखना पड़ेगा, कि जब बच्चे नहीं रहेंगे तो मुझे मेरी चीज़ अपनी जगह पर नीचे नीचे मिल जाए। तो अभी मैं फयाज को भी रात में बोलूँगी कि मुझे मिक्सर के लिए भी नीचे जगह बना के दो कहीं पे भी, ताकि मेरे को नुमेर को आवाज़ देने में नहीं भी रहेगा तो कोई टेंशन नहीं रहेगा, मैं नीचे कहीं से भी एडजस्ट करके लगा लूँगी। तो अभी थोड़ी थोड़ी चीज़ें मेरे को एडजस्ट करनी पड़ेगी, लेकिन आज एक दिन मेरा नुमेर ने तो मुझे बहुत भारी पड़ रहा था। तो चलिए ठीक है, तो नुमेर अभी लग गया ट्यूशन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बस अल्लाह से दुआ करूँगी, बस बच्चे की पढ़ाई अच्छे से हो जाए और 10th में अच्छे से अच्छा मार्क्स निकाल दे, बस यही मेरी है अल्लाह से दुआ। तो अभी जा रही हूँ जो मच्छी लेकर आई थी दोपहर में, चलिए अब मच्छी पे आ जाते। मच्छी लाई थी, धो धा के मैंने फ्रिज में रख दी थी, दोपहर में नहीं पकाई, और अभी बज रहे माई चली गई है, 8:10 हो गए, अब जस्ट जा रही हूँ मैं मच्छी फटाफट उसमें मसाला लगा के रखूँगी, और जब फैया जाएंगे जब फ्राई करूँगी, और दाल बनाऊँगी और मच्छी बनाऊँगी, तो चलिए शेयर करेंगे आपसे, जब तक के लिए बाय। तो चलिए हम लोग हमारी फ़िश को, हमारी मच्छी को, मछली को जो भी है उसको हम वो मसाला लगा लेते मस्त वाला। और ये देखिए, ये है हमारी भाई की मच्छी, और देखिए अपने पीसेस कितने प्यारे प्यारे और कितने बड़े बड़े पीसेस हैं, और इसमें मैं पहले मसाला लगा लेती हूँ, और मसाले को मैं अलग से कटोरी में पहले एक पेस्ट बना लूँगी और उसके बाद में लगाऊँगी, क्योंकि जब एक साथ हम लोग ऐसी मच्छी के ऊपर डालते हैं ना तो वो एक साथ में मिलाने के लिए ना हाथ से मिलाना पड़ता है, और वो मुझे नहीं जमता है, मैं ज़्यादा करके पेस्ट बना के ही मच्छी में लगाती हूँ। तो ये मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने 2.5 चम्मच लिया है, और ये मैंने ले लिया है कश्मीरी लाल मिर्च की बुक्की, कम से कम मैंने इसके अंदर 2 चम्मच पूरे डाला, और उसके बाद में अभी लेने वाली हूँ मैं हमारी हल्दी, जो 1/2 चम्मच काफ़ी, मेरी हल्दी ख़त्म पे, मेरे को डालना है हल्दी बट डब्बे में डालना है। तो अभी ये है मेरा काली मिरी 1/2 चम्मच ले लिया मैंने, और फिर है ही मेरी पास तेज़ वाली मिर्ची की बुक्की, तो ये देखिए ये भी ख़त्म पे, इसको भी भरना है यार, सब भूल गई मैं डब्बे में भरने, तो ये भी मैंने ले लिया है, कम से कम मैंने इसमें अभी 1/4 चम्मच लिया, तो 1.5 चम्मच मैंने मिर्ची की बुक्की ले लिया। ये थोड़ा सा है गरम मसाला, थोड़ा सा डाला, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा डालती हूँ मैं गरम मसाला मच्छी में, और बाद में मैंने आखिरी में लिया नमक,
तो ये हो गया मेरा पेस्ट। अब इसको मैं अच्छे से फेंट के इसको तैयार कर लूँगी। तो जैसे कि मैं बता रही थी कि मैं हमेशा सॉरी यार क्या बोल रही हूँ कभी कभी ज़िबान हरकत आती है मेरी, ये चीज़ मैंने ना अभी जब से मैंने ये वीडियो बनाने लगी ना ये चीज़ मुझे पता चलने लगी, मैं तो पहले ये चीज़ों को नोटिस नहीं करती थी। तो बस मेरी ये मच्छी में जो ये पेस्ट है, अभी मैं इसको पेस्ट अच्छे से बना लिया और अब इसको मैं एक एक करके अपनी फ़िश में लगा लूँगी। तो मैं वही बोल रही कि मैं डायरेक्ट नहीं डालती, मैं पेस्ट बना के ही डालती हूँ, ये आसान होता है मेरे लिए भी। तो हम अभी इसको एक एक करके लगाएंगे, बैठ के सुकून से लगाऊंगी। और ये जो मच्छी है ना मेरी जो आपने देखे, ये मच्छी ना मुझे ये सबसे बेस्ट मच्छी, जब से मैं यहाँ पे शिफ्ट हुई ना मलाड में, पहले मैं जब रहती थी जोगेश्वरी में उधर पे, मैं ये मच्छी कभी नहीं खाई, सीरियसली कभी ज़िंदगी में नहीं खाई मैंने ये मच्छी। यहाँ मलाड में आने के बाद मैं ये मच्छी मैं खानी, एक बार खाई मेरी फूफू ने खिलाया तो मुझे तो उसको लग गया टेस्ट। अब मुझे जब मच्छी लगती है तो मैं ज़्यादा करके यही मंगाती हूँ। मैं फैयाज़ को भी यही बोलती कि मुझे यही मच्छी पसंद है, ये बाकी की मच्छी में इतना इंटरेस्ट नहीं लेती हूँ क्योंकि वो साफ़ करने में कचरा बहुत निकलता है और बास बहुत आती है, और ये जो भाई की मच्छी है इसमें बास बिल्कुल नहीं आती है, बिल्कुल बास पता ही नहीं चलती कि घर में मच्छी आई, क्योंकि बास ही नहीं रहती इसकी ज़्यादा, और इसमें ज़्यादा कुछ हैमारी भी नहीं है, पीसेस भी बड़े बड़े होते हैं। और जब भी दिल हो, जैसे आज मेरा भी दिल हो रहा है मच्छी खाने, गए वहाँ पर किलो के हिसाब से मिलती है, पाव किलो चाहिए, आधा किलो चाहिए, पौना किलो चाहिए, तो अबर तो लाए हम लोग ऑन दी स्पॉट लाए बनाए और खा लिए। ये नहीं कि मच्छी वाले का वेट करेंगे आएगा, या तो एक काम करते मार्केट जाते हैं मच्छी ढूंढते हैं, वो सब मगजमारी बिल्कुल हेडेक नहीं रहता है। जब भी भाई की मच्छी चाहिए, मुझे मच्छी चाहिए, मैं फैयाज़ को बोलती हूँ आधा किलो लाओ पाव किलो लाओ, वो ला के दे देते हैं और बन जाती है। और ये मैंने लास्ट में डाल दिया मेरा चिकन चाप पीस, मैं ये लास्ट में हमेशा डालती हूँ मच्छी में, आपने लास्ट में भी देखे होंगे, ये मेरा लास्ट होता है तड़का जो मैं मच्छी के मसाले में डालती हूँ, जिससे थोड़ा सी मेरी मच्छी में टेस्ट आ जाता है। मैं हमेशा यूज़ करती हूँ, बाकी कोई लोग करते हैं कोई लोग नहीं करते हैं, बट मैं करती हूँ, मुझे पसंद है ये। तो ये देखिए मेरा मसाला एकदम मस्त लग चुका है, ये देखिए देखिए पीसेस में पूरा मसाला लग गया, ऊपर से मैंने वो चापीस का उसको जो चिकन मसाला बोलते वो भी डाल दिया। अब इसको मैं डाल दूँगी हमारे डब्बे के अंदर, ये देखिए, और इसको मैं कर दूँगी फ्रिज में स्टोर, और जब भी हम लोग को जितने पीसेस लगेंगे जैसे जैसे हम लोग तल के खा लेंगे। तो ऐसा नहीं कि मैं पूरे पूरे तलने वाली हूँ, क्योंकि बच्चे नहीं खाते मेरे मच्छी, दोनों के नाटक है। माई अगर एक बाइट खाई तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, मतलब माई की भी बड़ी बड़ी बातें हैं कि मैं खाऊंगी लेकिन खाती कुछ नहीं, खाली फालतू वो ऐसी खाली ना बड़ी बड़ी हाँकते रहती है कि मैं खाती हूँ, खाती कुछ नहीं है, उसका भी नाटक है। तो ये सिर्फ मैं और फैयाज़ हैं जो खाएँगे, जब भी लगेगा एक दो पीस हम लोग, जब भी लगेगा तो हम लोग एक दो पीस खा लेते हैं। तो ये देखिए मैंने पूरा मसाला अच्छे से निकाल दिया, मसाला नहीं छूटना चाहिए। तो बस ऐसे ही हम लोग दोनों खाएंगे फैयाज़ और मैं। अभी रात को फैयाज़ आएंगे तो मैं तल दूंगी जितने पीस वो बोलेंगे, मेरे लिए जितने पीस होंगे मैं तल दूंगी, मेरे लिए तल लूँगी। तो अभी यहाँ पे मैंने चलिए मसाले को तो उठा के मैंने डब्बे को उठा के फ्रिज में डाल दिया। ये मैंने दाल चढ़ा दिया हमारी, तो दाल मेरी ऑलमोस्ट गल चुकी है, पीली दाल बना रही हूँ मैं जो बच्चे खाएंगे, और दोनों को मैं तल के देने वाली हूँ अंडा, ये दोनों अंडे खाएंगे इसके साथ में। तो ये देखिए मेरी पीली दाल है, ये बघारा है मेरा, ज़ीरा लहसुन काली मिरी और सूखी लाल मिर्च, इसको बघारा मार के मेरी जो दाल है उसको तड़का दे के फटाफट रेडी कर दूँगी, ताकि बच्चे दाल चावल अंडा खाएंगे और हम लोग खाएंगे दाल चावल मच्छी। वैसे तो फैयाज़ अभी तक आए नहीं है, पता नहीं अभी उनको कितना लेट होगा, ये तो मैंने मसाला लगा के रख दिया है, उसके बाद में देखते हैं फैयाज़ कब आते हैं, जैसे आएंगे तो फिश उनको दे दूंगी। वैसे तो ये मच्छी ये भी खाते हैं, इनको भी पसंद है ये मच्छी में, खाली थोड़ा सा एक चीज़ क्या होती पता है, थोड़ी चर्बी ज़्यादा होती है, बट हम लोग चर्बी निकाल के फेंक देते हैं, और इसके अंदर एक खाली एक माइनस पॉइंट है ये मच्छी के अंदर, सिर्फ चर्बी, बाकी इसके अंदर हर चीज़ में देखूँगी तो प्लस पॉइंट है। तो देखिए बाकी तो दाल मेरी एकदम मस्त वाली तड़के वाली दाल रेडी हो गए हैं। अब ये देखिए एकदम मस्त कोथमीर भी मैंने डाल दिया, ये देखिए मस्त वाली। तो चलिए हमारी हो गई मच्छी का मसाला हमारा लग चुका है, ये देखिए कोथमीर तो मैंने अब डाला, यार मैं क्या कर क्या रही है मदीना। तो ठीक है कोई बात नहीं यार, छोटे छोटे बड़े बड़े शहरों में से छोटी छोटी गलतियां होती रहती है, तो आपकी बाजी से आपकी मदीना से भी होती है। तो डेंटेड है हमारी दाल तैयार है अभी। तो गाइस फाइनली हो गया मेरा घर, किचन का काम हो गया, बस आके सुकून से एकदम हवे में बैठी पंखा चालू करके, बहुत गर्म हो रहा है। आपके वहाँ गर्मी हो रही कि नहीं हो रही बताया मुझे, क्योंकि अभी यहाँ पे तो गर्मी शुरू हो गई हमारे यहाँ बॉम्बे में, मतलब मुंबई में, इंडिया में। तो बस अभी जस्ट आके सुकून से बैठी हूँ, और अभी फ़िलहाल तो सिर्फ दाल बनाई हूँ और मच्छी करके आई हूँ, और पूरे बर्तन धोई हूँ, किचन साफ़ करी हूँ, मतलब ऑल टुगेदर किचन का पूरा काम सही करके आ गई हूँ, साफ़ सफाई करके आ गई किचन का, और मच्छी रख दी, तली नहीं हूँ। आपके फैयाज़ भाईजान आएंगे ना
जब उनको गरम गरम तल के दूंगी। और माही हमारी आ गई डांस क्लास से और अभी जाएगी होमवर्क करने। ये देखिए क्या लेकर आई है, ये देखिए ना बचपन के दिन याद आते हैं। तो ये लेकर आई है खाने के लिए, अभी बैठ के खाएंगे। माही इधर ये देखो, ये लेकर आई ना। इतना बड़ा कौन बोलने बोलता है यार, इसको कौन बोलता है इतना बड़ा बोलने। नहीं अभी होमवर्क करने बैठ रही है और ये खाते खाते होमवर्क करेगी। तो मैंने सोचा चलो आपके साथ में शेयर करती हूँ मैंने दोपहर में क्या क्या लेकर आई, तो आपको दिखाती हूँ। ये दिखाती हूँ मैं आपको। वैसे तो आपने देखी मैंने क्या क्या ली, गरम मसाला तो आपने देख लिया ना, मैंने ली वहाँ पे से गरम मसाला, सब 20-20 रुपीज़ का ली। लेकिन मेरे को लगा यहाँ पे कम मिला मुझे, थोड़ा थोड़ा से मिला। हम लोग वहाँ मेरी जोगेश्वरी से लेती हूँ ना मैं, तो बहुत ज़्यादा ज़्यादा मिलता है, अच्छा मिलता है। मैं फयाज को बोली कि अपन गए थे तो उस दिन लाना चाहिए था अपने को, याद दिया। सोच के निकलती हूँ ये ले लूँगी वो ले लूँगी वो ले लूँगी, बाद में मैं भूल जाती हूँ, मैं बहुत भुलक्कड़ हूँ आपको पता है ना। तो ये देखिए मसाले वगैरह सब ली मैंने, ये सब 20-20 रुपीज़ का। ये तो थोड़ा अच्छा दिख रहा है मुझे, बट बाकी मेरे को थोड़ा थोड़ा ही दिख रहा है। ये देखिए शाहजीरा, ये देखिए इलायची, मेरे को लग रहा था थोड़ी सी मिली और बाकी ठीक है। ये देखिए शाहजीरा थोड़ा ठीक दिख रहा था, ये लौंग है 20 रुपीज़। तो सब मैंने 20-20 रुपीज़ का मैंने मान लिया गरम मसाला, क्योंकि मेरे पास गरम मसाला ख़त्म हो चुका था। तो मैं बोली चलो गई तो, क्योंकि बहुत चीज़ लेना था, बट अभी फयाज नहीं रुक रहे थे क्योंकि वैसे भी नमाज़ जाना था ना, जुम्मा था आज। तो ये मेरे को बोल रहे थे जल्दी जल्दी करके निकलो, जुम्मा है ना तो गर्दी हो जाएगी मस्जिद में। तो मैंने चलो ठीक है जितना ले लिया उतना ले लिया। और दूसरी चीज़ माई ने लिया मास्क, आपने देखा ना माई ने तीन तीन मास्क ली, एक मास्क पहन के गई थी माई। हाँ। देखो उद्घाटन भी कर दिया। ये देखो ये एक मास्क ली, ये एक मास्क ली उसने पैंडा का, और ये ली एक साथ में तीन तीन ले ली। ये कितने का है पता है, ये हम लोग यहाँ मिले 10-10 रुपीज़ के। और मैंने नुमेर को एक मास्क ली, ये आया 20 रुपीज़ का। नुमेर को मास्क की बहुत ज़रूरत है, बिना मास्क के उसका काम नहीं चलता। और मेरे गैस पे मैंने चावल चढ़ा के रखे। माई जब गैस स्लो कर बेटा, माई जल्दी भाग, माई 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 बेटा गैस स्लो कर, चावल चढ़ा के आई हूँ कुकर में। हाँ ये ठंडा फयाज को गर्म नहीं चलता, उनको ठंडा चाहिए रहता, फिर वो गर्म गर्म रहेगा तो बोलेंगे अभी ठंडा होने दे, तो इसलिए मैं बोली चढ़ा देती हूँ। और ये देखिए माई को ड्रेस कैसा लगा, प्लीज़ मेरे को बताना, प्लीज़ मेरे को बताना। लाई ढूंढ ढूंढ के, एक तो सर ऐसे ऐसे कपड़ा बता देते ना कि मुझे यहाँ मिलता ही नहीं है, परेशान होती हूँ कलर के लिए। ये देखिए ये है कॉलर वाला, मतलब कॉलर नहीं चाइनीज कॉलर है। और अस्तिन देखिए ये थोड़ा सा इसको ढीला है माई को। और ये देखिए पूरा फ्रॉक टाइप है, आगे से छोटा है और पीछे से थोड़ा सा लॉन्ग है। ये देखिए तो ये मैंने ली इसको, क्योंकि उसका कॉस्ट्यूम जो था ना वो ब्लैक था पूरा, और उसके ऊपर मैंने ये ले ली लेगीस, ये क्योंकि ना उसके गोल्डन बटन थे ना, ये गोल्डन बटन, तो मैंने इसके ऊपर ये गोल्डन इस पर मैच करेगा। तो ये देखिए अच्छा लग रहा है, कॉन्ट्रास्ट मिल रहा है थोड़ा बहुत, तो ये लिया। और उसके ऊपर मैंने एक हेयरबिन भी ले ली उसको, ये देखिए ले जान दे थोड़ा सा हेयरबिन पहनेंगे। मैंने उसको पहले ही बोल दिया कि अगर वो करने वाली क्या जंबल वगैरह उड़ी मारने वाली, तो बोली नहीं खाली खड़े रह के डांस है। अरे चल ठीक है खड़े रह के तो हेयरबिन भी लगा लेना अच्छी लगेगी। तो ये इसका कॉस्ट्यूम फाइनली आ गया, और अभी आपको मैं बताती हूँ इसका रेट कितना है। एक्चुअली ये है 250 का, मतलब 250 का, ये 250 रुपया। और ये है हमारी जो जी मैंने लेगीस ली वो 150 रुपये की, मतलब 400 रुपये में इसका कॉस्ट्यूम आ गया। और उसका हेयरबिन ये 30 रुपीज़, मतलब ऑल टुगेदर बोलूँगी तो 15-20 दिन में मेरे को 500 रुपये का फटका लगाती है ये। और मेरा नुमेर नहीं लगाता, मेरा नुमेर बेचारा मेरा बच्चा रह जाता। अभी मैंने फयाज को आज ही बोली कि अभी मैं नुमेर को ना ये हफ्ते में या तो फिर 15 दिन में जाऊँगी, 15 दिन ये हफ्ता या अगले हफ्ते नुमेर को जाऊँगी और 2-3 टी शर्ट लेकर आऊँगी, क्योंकि मेरा नुमेर का ही रहता है। मेरा नुमेर कभी मांगता नहीं, मेरे बच्चे कभी बोलेगा नहीं कि भाई ये चाहिए वो चाहिए। माई के तो ऐश होते डांस क्लास के बारे में, माई के ऐश हो जाते, माई को जो जो चाहिए वो मिल जाता, बट नुमेर रह जाता। तो चलिए इतना ही लेकर आई, लेना लाना तो और था मेरे को, बहुत चीज़ लेना है घर के लिए, लेकिन अभी नहीं लूँगी, बाद में लूँगी, हाँ लूँगी तो शेयर करूँगी।
तो चलिए अभी आज बहुत लंबा हो जाएगा, तो फिर आज का ब्लॉग एंड करूँगी। और आपको कैसी लगी मेरी फालतू घूमी फिरी, क्या क्या करी, कैसी लगी शॉपिंग मेरे को ज़रूर बताना। और जो जो मेरे चैनल पे आज न्यू आए हैं, मुझे आज पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो, तो गाइज सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर देना। साथ ही में मेरी वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स में, दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, सब में शेयर ज़रूर करना, और मुझे इंस्टा पे फॉलो करना। तो चलिए फिर ये ब्लॉग एंड करूँगी, मिलूँगी आपको नेक्स्ट एक मज़ेदार ब्लॉग के साथ में। जब तक के दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। तो चलिए अभी मैं जा रही हूँ अपनी मच्छी तलने के लिए, और अभी रात के हो रहे पूरे 11 बज रहे, और फयाज़ को फ़ोन करी तो फयाज़ बोले कि ना मैं आ रहा हूँ बट मैं मच्छी नहीं खाऊँगा। और तो ये मच्छी सिर्फ मैं मेरे लिए तल रही हूँ, आप देख रहे दो टुकड़े ही है, तो दो पीसेस है जो मेरे लिए तल रही हूँ मैं सिर्फ। उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं खाऊँगा, क्योंकि वो रात में ना 11 बजे के बाद में ऐसे 9 बजे अगर वो आते ना तो शायद खा लेते, लेकिन 11 बजे के बाद में वो मच्छी नहीं खाते। और दोपहर में तो चले गए थे, नहीं खाए थे मच्छी, क्योंकि वो आई बनी नहीं थी ना। तो बस ये मच्छी मैं मेरे लिए फ्राई कर रही हूँ, ये मैं खाऊँगी, और आपके फयाज़ भाई जी नहीं खाएँगे, तो उनको मैं दाल और चावल और उनको भी अंडा फ्राई करके दे दूँगी, अंडा खा लेंगे लेकिन मच्छी नहीं खाएँगे, क्योंकि ये भाई की मच्छी इसमें थोड़ी चर्बी होती है तो फयाज़ को नहीं जमता है। तो बस ये मैं खाऊँगी, और आपके फयाज़ को इंशाल्लाह कल सुबह में जब लेट जाते, 12-11 बजे तो जाते हैं इंशाल्लाह, जब देखेंगे, नहीं तो कल खाएंगे रात।